नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कि कुत्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी की जान इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि इसके लिए और भी पेरेंट्स हैं। आज मेरा बच्चा है, कल किसी और का भी हो सकता है। 7 साल का मासूम बना आवारा कुत्ते का शिकार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। वर्तमान समय में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसे रोक पाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। जिन जगहों पर प्रशासन इन आवारा कुत्तों के बढ़ने से रोकने की कोशिश भी यदि करता है तो वहां पर एनिमल लवर प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और पालतू जानवर पर अत्याचार नहीं किए जाने वाले कानून की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन यही आवारा कुत्ते अब इंसान के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कई जगहों से हर दिन आवारा कुत्तों द्वारा इंसान को काटे जाने की खबर सामने आती रहती है। अभी हाल ही में ऐसा ही एक मामला मीरा रोड की पूनम सागर कॉम्प्लेक्स अंतर्गत मौजूद संकल्प सोसाइटी से सामने आया है, जहां एक आवारा कुत्ते ने वहीं सोसाइटी में खेल रहे एक 7 साल के बच्चे अर्जुन को काट कर लहूलुहान कर दिया। दरअसल उपरोक्त 7 साल का मासूम बच्चा अर्जुन अपनी ही सोसाइटी में खेल रहा था। उस वक्त सोसाइटी में ही बीच सड़क पर एक आवारा कुत्ता बैठा था। खेलते खेलते अर्जुन का पैर बैठे हुए उस आवारा कुत्ते पर पड़ गया, जिससे गुस्साए कुत्ते ने अर्जुन पर हमला कर दिया और अर्जुन को अलग अलग जगहों पर काटते हुए जख्मी कर दिया। यह पूरी घटना सोसाइटी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुत्ता सड़क पर बैठा है और अचानक अर्जुन का पैर उसके पैर पर पड़ने के बाद उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुत्ते ने अर्जुन को कुल 4 जगह से काटा है। अपने बच्चे के साथ घटी इस घटना के बाद अर्जुन के माता पिता आवारा कुत्तों पर नियंत्रण रखने की आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने की मांग लेकर मीरा महेंद्र महानगर पालिका भी पहुंचे। लेकिन ऐसा बताया गया कि अर्जुन के माँ बाप की बात को सुनने को कोई तैयार ही नहीं हुआ, जिससे माता पिता काफ़ी आक्रोशित दिखाई दिए। मीडिया को दिए अपने बयान में माता पिता ने क्या कुछ कहा वह सुनिए आगे वीडियो में। रिपोर्ट सेफ न्यूज लाइव। और हम वहाँ काफी टाइम से बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंतर्गत कुत्तों की आवारागर्दी इतनी हो गई है कि उन्होंने मेरे ही बच्चे को नहीं और भी बच्चों को इंजर्ड किया। लेकिन संडे की शाम बहुत ही खतरनाक हुआ, मेरा बच्चा खेल रहा था और गलती से उसका पैर उससे जाके लगा और वो शेर की तरह उसके झपटा, पूरा उसका यहाँ पे इंजर्ड करके रखा है। ऐसे इंजर्ड नहीं हुआ है सर, आप उसके पिक देखिए, उसका ऐसे पूरे मांस बाहर आ गया है। और संडे होने के कारण कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर इजीली अवेलेबल नहीं था, जिसको हमें स्पेशली बुलाना पड़ा, उसको अपॉइंट करना पड़ा। आज उसकी आँख में सब जगह स्वेलिंग है। सोसाइटी में बात करने पे बोला गया कि उन्होंने एक्शन लिया था, लेकिन कई प्राइवेट संस्थाएं हैं पेटा के नाम पे चल रही हैं, जो कि उनको ये काम करने से रोकती हैं। यहाँ पर हमने आके सर को बोला, जो नीचे एक डॉक्टर सर हैं उनको बोला, उन्होंने भी हमको ये बोला कि हम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे को आप कटवाते रहिए, कुत्ते ऐसे ही घूमते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए शेड बना दीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए। हम ऐसा नहीं कहते कि पेट लवर मत बनो या जानवरों से प्यार मत करो। जब उनको कुछ होता है तो वो संस्था सामने आती है, लेकिन जब वो किसी को इंजर्ड कर रहे हैं, किसी को हार्म कर रहे हैं, तब वो संस्था किधर गई? आज मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है, कौन ले रहा है वो संस्था वाले? उन्होंने ये बोला है कि कल आके हम चेकअप करेंगे, उसके बाद देखते हैं, वहाँ पे एक सेट बना के रख दीजिए। ये तो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं लगा। कुत्ते तो वहीं घूमे और वो कुत्तों को बांधने भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके रूल्स हैं कि हम इनको नहीं बांध सकते। मतलब ऐसा हो गया है आज की डेट में कि कुत्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी की जान इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि इसके लिए और भी पेरेंट्स हैं। आज मेरा बच्चा है, कल किसी और का भी हो सकता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? ऐसे ही बच्चों के कुत्ते के मुंह में छोपते रहेंगे? और मुझे उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो मीरा रोड का ये क्या बोलते हैं उससे मुक्ति धाम है, तो जो हिंदू मुक्ति धाम है, तो वहाँ से कुत्ते कब्रिस्तान में आते हैं और वो वहाँ पे छोटे बच्चों की, बड़ों की, किन्हीं की भी कब्र भी उखेड़ते हैं। अब वो कितना डेंजर है मुझे समझा रहे थे। अब मैं ये पूछती हूँ, वही कुत्ते फिर हमारे बच्चों को बाइट कर रहे हैं? वो तो गया, उसकी बॉडी को बाइट करके वो हमारे को बाइट कर रहे हैं, वो कितना डेंजर है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा संस्थान ले रहा है, कौन सा NGO ले रहा है, कौन से लोग ले रहे हैं? और सोसाइटी वाले इसलिए नहीं करते कि उन्होंने करके देखा है, तो उन पर
किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, उन्होंने उन पर केस कर दिया। और ये जो सोसाइटी में पेटा वाले आके ऑब्जेक्शन लेते हैं, या अभी जो भी पेट लवर हैं वो उन्हें अपने घर पर रखें अगर दम है तो, और वो कोई पुलिस वाले या किसी कोई वो इनकम टैक्स वाले नहीं है जो हमारे घर पे आके या किसी को भी धमका के ये कहते हैं कि ये करो और वो करो। और वो आज किधर? हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।